मेरा अंदाज़ है कि भारत की तीसरी लहर या तो कल अधिकतम स्तर पे थी, नहीं तो आज या कल में आ जाएगी। और अधिकतम स्तर डेली केसेस के हिसाब से देखें तो 3.5 लाख के आसपास गया था कुछ दिन पहले, वहीं तक रहेगा, उससे अधिक नहीं बढ़ेगा। कुछ राज्यों में जहां देर से वेव की शुरुआत हुई वहां पे अभी पीक कुछ समय बाद ही आएगी। केरल जैसे, वहां पे फरवरी में आने की संभावना है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में भी कुछ दिनों के बाद ही आएगी। लगभग जो हमने करीब 2 हफ्ते पहले प्रोजेक्शन किए थे वही अभी तक कायम है। उसमें एक चीज़ ज़रूर हमने देखी थी कि जो हमारी प्रोजेक्टेड संख्या थी केसेस की, उससे कहीं कम केसेस आ रहे थे। और कारण यह है कि बहुत लोगों ने टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं समझी इस बार, तो इसलिए केसेस उतने नहीं डिटेक्ट हो पाए। लेकिन मोर और लेस हमारा प्रेडिक्शन वही है। एक दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन ट्रैजेक्टरी का सही नहीं था, जैसे गुजरात, तो उसकी एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं और रिवाइज प्रोजेक्शन करेंगे। बाकी सब वही हैं। थोड़ा अपने परिवार का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन नहीं करवाया हो तो करवा लें। और ये लहर अब कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाएगी, इसकी हम लोग आशा कर सकते हैं। और जब कभी भीड़ वाली जगह में जाएँ तो मास्क अवश्य पहनें।